अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑनलाइन स्टिचिंग क्लासेस। आज हमारी तीसरी क्लास है, इसमें हम देखेंगे कि हम अपना गले की कटिंग कैसे कर रहे हैं और हम इसे किस तरह से अपने कपड़े पर अप्लाई करेंगे और किस तरह से हम अपनी कमीज़ की स्टिचिंग करते हैं। तो ये सब कुछ है, आज हम ये सब कुछ देखेंगे कि एक पूरी कमीज़ की स्टिचिंग किस तरह से होती है। तो सबसे पहले हम लोगों ने बुकरम ले लिया है। बुकरम को इस तरह से हम दो हिस्सों में फोल्ड कर लेंगे। इसमें ऑन फोल्ड वाली साइड हमारी तरफ होगी, जो ओपन साइड है वो दूसरी तरफ होगी। हम यहाँ से इस ऑन फोल्ड वाली साइड जहाँ पे एंड हो रहा है, यहाँ से हम 3.5 पे मार्क कर लेंगे। इस तरह से हमारी एक लाइन 3.5 पे आ गई है। 3.5 के बाद ये जितनी भी हमारा बुकरम बचा है, ये हमारी दूसरी लाइन हो जाएगी। हम जो अपनी लेंथ रख रहे हैं वो 5.5 रख रहे हैं। साढ़े पाँच के बाद हम जितना यहाँ पे हमारा बुकरम बची है, उतनी ही बुकरम हम यहाँ पे भी मार्क करेंगे, उतना ही हम मार्क करेंगे निशान। तो ये हमारे पास 1/2 इंच है, तो हम इधर भी 1/2 इंच की ही लाइन लगाएंगे। इस तरीके से हमारे एक स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया है। अब हम गोल नेक बना रहे हैं, तो इससे हम अपनी फ्रेंच कर्व की मदद से इसमें हम अपना कर्व दे देंगे। इस तरीके से हमारे गले की गुलाई आ गई है। अब हम अपने इंची टेप की मदद से 1/2 इंच के फासले से एक और सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। मैं आपको उसकी कटिंग करके दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं हमारा नेक तैयार है। ये अब हमने अपना कपड़ा ले लिया। जो कपड़े की सीधी साइड होगी वो हमारे नीचे की तरफ होगी, उल्टी साइड हमारी ऊपर की तरफ होगी। हम बुकरम चिपकाने से पहले इस पर एक दफ़ा हम इस्त्री कर लेंगे ताकि हमारा कपड़ा बिल्कुल सीधा हो जाए, इसमें कोई सलवट या कोई बल ना रहे। इसके बाद हमने जो अपना गला काटा है, इसमें जो शाइनिंग वाली साइड होगी वो नीचे जाएगी, और नीचे जाने के बाद हम इसे आहिस्ता आहिस्ता करके अपने इस्त्री की मदद से अपने गले को कपड़े पे चिपका लेंगे। इस्त्री आपकी इतनी भी गर्म नहीं होनी चाहिए कि आपका बुकरम जल जाए। ये आप देख सकते हैं कि हमारी बुकरम अच्छी तरीके से कपड़े पे चिपक गई है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। सिर्फ 1/2 इंच का कपड़ा छोड़ के हम इसकी बिल्कुल जैसी ये गुलाई आ रही है बिल्कुल उसी तरीके से हम इसकी कटिंग कर लेंगे।
कटिंग के बाद जो हमारा ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है ऊपर की तरफ, वो भी हम निकाल देंगे। अब आप देखें हमारी ये कटिंग भी हो गई है, ऊपर से भी हमने निकाल दिया है। अब इस्त्री की मदद से हम अपने जो हमने आधा इंच का कपड़ा छोड़ा है बुकरम के साथ बिल्कुल कोने तक लगा के इसे हम इस तरह से फोल्ड करके इस पर इस्त्री कर देंगे। जब हमारा इस तरह से पूरा गला तैयार हो जाएगा तो हम इसके दोनों इस तरह से इसका सेंटर कर लेंगे और इधर नोच लगा लेंगे। मशीन यूज़ करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मशीन में कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो क्या क्या हैं। हम मशीन को इस तरह से उठाएंगे, इसके नीचे हमारा बॉबिन केस होगा। बॉबिन की इसके हम इस तरह से इसे उठा के और इस तरह से हम निकाल लेंगे। ये हमारा बॉबिन केस है, ये हमारा बॉबिन है। इसके अंदर हम अपना धागा लपेट के इसके अंदर लगाएंगे। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि धागा किस तरह से लगेगा। इस तरीके से हम लोगों ने अपना धागा इसमें थोड़ा सा फिक्स करके हमने अपने बॉबिन को भरेंगे। ये आप देख सकते हैं कि हमारा बॉबिन पूरा फिल हो गया है। इस तरह से हम थोड़ा सा धागा बाहर निकाल लेंगे। अब हम बॉबिन को बॉबिन केस के अंदर डालेंगे। अब जो हमारा ये धागा बाहर निकला हुआ है इसे हम इस जो आपका कट है इससे गुजार के फिर इसे खींच के हम इससे गुजारेंगे। इस तरीके से हमारा बॉबिन केस के अंदर चला गया। अब हम चेक कर लेते हैं कि ये फिक्स हुआ या नहीं हुआ। अगर ये इस तरह से सही तरह रोटेट हो रहा है इसका मतलब है कि ये बिल्कुल सही फिक्स हो गया है। जब हमने बॉबिन को अपना चेक कर लिया तो हम इसे इसकी जगह पे फिक्स करेंगे। आपको ये होल नज़र आ रहा होगा, इसके अंदर हमारा ये बॉबिन जाके फिक्स होगा। ये डंडी इधर अंदर जाके इसकी अपनी जगह पे जाके फिक्स होनी चाहिए, वरना ये आपका धागा सही नहीं आएगा। थ्रेड को हम ऐसे सेट करेंगे कि हम सबसे पहले इसमें इस रॉड में अपना थ्रेड रखेंगे, थ्रेड के पूरे रे रखेंगे। फिर हम इस होल से अपना थ्रेड गुजारते हुए इस सर्कल से गुजारेंगे। इस सर्कल से गुजारने के बाद हम इसके अंदर से गुजार के फिर इस होल में से गुजारेंगे। उसके बाद हम यहाँ से गुजारेंगे, फिर अपना धागा सुई में डाल देंगे। इस तरीके से धागा डालने के बाद हम इसको पकड़ के रखेंगे और इस व्हील को घुमा के नीचे से अपना धागा निकाल देंगे। अभी आप देख सकते हैं हमारा ऊपर का धागा है और ये हमारा नीचे बॉबिन से धागा आ रहा है। इस तरह से हमने अपना धागा सेट कर लिया है। सबको करने के बाद धागा सेट करने के बाद हम अपने चेक कर लेंगे कि हमारा धागा सही आ भी रहा है या नहीं। ये आप चेक कर सकते हैं कि हमारा आगे से भी बिल्कुल सही धागा आ रहा है और ये देखें पीछे से भी बिल्कुल सही धागा आ रहा है। अभी आप देख सकते हैं जो हमने गला बनाया था इसकी हम बिल्कुल कोने की सिलाई लगाएंगे जिसे हम लव की सिलाई कहते हैं। ये आप देख सकते हैं कि हमारी इस तरह से लव की सिलाई लग गई है। ये आप देख सकते हैं हमने अपनी कमीज़ का फ्रंट हिस्सा ले लिया है।
इसका जो पीछे की साइड है वो नीचे की तरफ आएगी, जो सीधी साइड है वो ऊपर की तरफ आएगी। सेम इसी तरीके से इसकी सीधी साइड गले की नीचे आएगी और इसकी जो उल्टी साइड है वो ऊपर आएगी, यानी कि सीधी सीधी के साथ जाके मिलेगी। अभी इधर भी हमारा नोच लगा हुआ है, इधर भी नोच लगा हुआ है। अब हम इस नोच को नोच से मिला के इस तरीके से अपनी इधर सीधी लाइन लगा लेंगे। ये हम इसलिए ये वाली स्टिचिंग करते हैं ताकि हमारा गला जब हम स्टिच कर रहे हों तो हमारा हिले ना। अब हम अपनी गले को स्टिच कमीज के साथ अटैच करेंगे। किस तरीके से, हम बिल्कुल अपने बुकरम के साथ साथ स्टिचिंग करेंगे। ये अब आप देख सकते हैं कि हमारी सिलाई बिल्कुल बुकरम के साथ साथ है, ना बुकरम के से आगे है ना उससे पीछे है, बिल्कुल उसके साथ साथ हमने इसको स्टिच कर लिया। अब हमारी इस स्टिचिंग के बाद अब हम इसकी कटिंग करेंगे। हम इसमें आधा आधा इंच का गैप देके जिस तरह से ये गोलाई में है उस तरह से हम इसकी कटिंग कर देंगे। इधर नोचेस दे देंगे, थोड़ा आड़ा कैंची रख के हम इस तरीके से इधर कट्स लगा देंगे। ये हम इसलिए लगाते हैं ताकि हमारा गला इजीली मुड़ सके। हम इतना कट लगाएंगे कि हमारा बुकरम डैमेज ना हो। इस तरीके से अब हमारे कट्स लग गए। अब हम इसे ऐसे इस तरह से हम इसे ऐसे करेंगे और इस तरीके से इसे फोल्ड कर देंगे अंदर की साइड में। सलवट वगैरह आ रही है उसे हम इस्त्री की मदद से फिक्स कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं हमारा कितना खूबसूरत गला बन चुका है। अब हम इसके शोल्डर्स ज्वाइन करेंगे, वो मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से हम ज्वाइन करेंगे। ये हमारा बैक है, बैक का जो उल्टी साइड होगी वो नीचे की तरफ होगी, जो सीधी साइड होगी वो ऊपर की तरफ होगी। इसी तरीके से हम अपना फ्रंट ले लेंगे, इसमें जो हमारी सीधी साइड होगी वो नीचे की तरफ होगी और जो उल्टी साइड होगी वो ऊपर की तरफ होगी। इस तरीके से हम अपने आधे इंच की इसे सेट करने के बाद आधे इंच की सिलाई कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं कि हमारा एक शोल्डर ज्वाइन हो चुका है। अब इसी तरीके से हम अपना दूसरा शोल्डर ज्वाइन करेंगे। हमारे दोनों शोल्डर ज्वाइन हो गए। अब हमारा फ्रंट का भी गला बन गया है और हमारे शोल्डर ज्वाइन हो गए। अब हमें बैक का गला बनाना है। बैक का गला बनाने के लिए हमने ये कपड़ा ले लिया है, इसे हम इस तरीके से रखेंगे तो हमारा उरेब पट्टी आ जाएगी। अब हमें एक इंच दो इंच की पट्टी चाहिए क्योंकि हमने इसे हाफ कर लिया है, मोड़ लिया है, तो हम एक एक इंच पे निशान लगा लेंगे।
अभी जहाँ जहाँ हमने निशान लगाए इस पे हम अपनी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमारी पट्टी तैयार है और आप ये देख सकते हैं ये उरेब है। ये देखिए इसे मैं ज़रा सा खींच रही हूँ कितना फ्लेक्सिबल है, तो ये इसका मतलब है ये उरेब की हमारे पास आ गई है पट्टी। इस तरीके से रख के हम इस पर अपनी इस्त्री कर लेंगे। पट्टी की तैयार करने के बाद हम अपनी कमीज में बैक गला काटेंगे। इस तरीके से हम इसे इस कोने से को मिलाएंगे। हमने जो गले की बैक का गला लिया था वो 2 इंच का हमने लिया था, उसकी लेंथ 2 इंच है, तो हम इधर 2 इंच पे निशान लगा लेंगे। हम इधर से 1/2 इंच का गैप छोड़ के अपने फ्रेंच कर्व की मदद से इसमें गोलाई दे देंगे। इस तरीके से इधर हमारा 1/2 इंच का कपड़ा छूटा हुआ है, इसको छोड़ के हम इस तरीके से अपने बैक के उसमें गोलाई दे देंगे। अब मैं आपको इसकी कटिंग करके दिखा देती हूँ। ये आप देख सकते हैं कि हमारी इस तरह से बैक की भी गले की कटिंग हो गई है। ये अब जो हमने 2 इंच की पट्टी ली थी इसको हम इस तरह से इसमें हम सिलाई करेंगे, लेकिन हम इस पर सिलाई 1 बूट स्टिचिंग करेंगे। यहाँ से हमने इसे रखा, अब हम अपनी इस उंगली को इसके बूट के जो एंड है इस पर रख के इस पर हम स्टिचिंग कर लेंगे। हमने इसे कस के रखना है कि हमारा कपड़ा वहाँ से निकल ना सके। ये आप देख सकते हैं कुछ हमारा इस तरीके से ये गैदर आ जाएगा, इसमें तैयार हो गई है। और इस तरीके से हमारा ये गोल हमारा जो हमने पीछे का गला काटा था, अब हम इसको क्या करेंगे, इस तरह से हम इसे पकड़ेंगे। इसकी जो सीधी साइड है वो हमारे ऊपर की तरफ आएगी, इस पर हम अपना गला रखेंगे, ये पट्टी रखेंगे। लेकिन हम हमारी ये वो होगी कि हम बिल्कुल ये जो ये वाला पॉइंट है इस पर अपना रख के हमारी स्टिचिंग इस पर ही है। इस तरह से हमारा गला पीछे का लग चुका है। अब मैं आपको इसको दिखाती हूँ, हम इस तरीके से इसको इस चीज़ को आगे की तरफ लाएंगे और इसे इस तरीके से मोड़ देंगे। ये मैंने इस्त्री की मदद से पहले ही ये कर लिया है, लेकिन मैं आपको फिर दिखा रही हूँ कि ये किस तरीके से होगा। ये देखिए अब हम इस पर अपना स्टिचिंग कर लेंगे। हम इस कोने से अपनी स्टिच करेंगे, हम अपने
किया। इस तरीके से करते हुए हम इस पे पूरे पट्टी के कोने पे अपना स्टिच कर देंगे। फ्रंट और बैक का गला तैयार है, कंप्लीट होने के बाद अब हम अपनी साइडें जोड़ेंगे। ये हमारी सीधी साइड है, आपको साइडें जोड़ने के लिए हम इसे उल्टा कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने उल्टा कर लिया है। इधर से पकड़ेंगे हम, यहाँ से यूं इसे इक्वल करेंगे और एक इंच का हमने सीम अलाउंस दिया था, एक इंच की हम गैप छोड़ के अपना स्टिच कर लेंगे। स्टार्ट करेंगे और ये जो नोज लगाया था हमने हिप लाइन पे, यहाँ पे हम अपना आगे ख़त्म कर देंगे। तो इस तरीके से हम एक एक इंच का गैप देके ये हमारा नोज है। अब हमने यहाँ तक अपनी स्टिचिंग एंड कर दी है। ये आप देख सकते हैं हमारा, इस तरीके से हमारी साइडों की स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है। हमने अपने नोज के पास से अपनी स्टिचिंग ख़त्म की है और स्टार्ट अपनी चेस्ट लाइन से की है। तो इस तरीके से हमारी दोनों साइडें सिल गई हैं। सीधी साइड होगी वो नीचे की तरफ होगी, उल्टी साइड ऊपर की तरफ होगी। हमने एक इंच छोड़ा था अपना, तो पहले हम आधा इंच पे मोड़ेंगे अपने इस तरीके से कपड़ा। अगर आपको मुश्किल हो रही हो तो आप इस्त्री भी कर सकते हैं। फिर अब हम आधा इंच मोड़ने के बाद फिर दोबारा से आधा इंच इस तरीके से मोड़ेंगे। ये आप देख सकते हैं इस तरीके से हमारा हेमिंग होगी। इस एंड पे हम अपनी स्टिचिंग कर लेंगे बिल्कुल किनारे पे। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से हमारी हेमिंग हो गई है। अब हम इसे इस तरीके से इसे यहाँ से मिलाएंगे और हम इस पे आधे इंच की अपनी सिलाई करके अपने स्लीव्स की साइड्स जोड़ लेंगे। ये बिल्कुल इक्वल होना चाहिए ताकि आपके स्लीव बिल्कुल सही आए। अब हम इसकी साइडों पे आधा इंच की सिलाई करेंगे। अब आप देख सकते हैं हमारी दोनों स्लीव्स तैयार हैं, हमारी हेमिंग भी हो गई है, साइडें भी जुड़ गई हैं। जब हमारी साइडें जुड़ जाएंगी तो हम यहाँ से इसे पकड़ेंगे इस तरीके से, हम इसका अपना सेंटर पे एक नोज लगा लेंगे।
जो हमारी मदद करेगा अपना कमीज के साथ लगने में। अब इस तरीके से हमारी ये आस्तीन है, हमारी आस्तीन भी सीधी होगी। अब मैं अपनी कमीज भी सीधी कर लेती हूँ। आपकी जो ये सिलाई है शोल्डर की, ये आप देख सकते हैं हमारा शोल्डर जहाँ से स्टार्ट हो रहा है गले के पास से, इधर से हम इसे यूं रखेंगे। कमीज भी सीधी है, स्लीव्स भी सीधी हैं। स्लीव्स की सीधी साइड सीधी साइड के साथ जाके मिलेगी। इस सिलाई पे आपने अपना ये जो नोच है उसको रखना है और इस तरीके से करते करते हम अपनी सिलाई कर लेंगे। हम अक्सर मतलब कि सिलाई करने से पहले अपनी कमीज को नाप लेते हैं कि हमारी कमीज की ये पूरी आ भी रही है या नहीं। ये देखिए हमारी बिल्कुल परफेक्ट यहाँ से हमने नाप लिए, दोनों इक्वल आ रहे हैं। अब मैं आपको इसकी स्टिचिंग करके दिखाती हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये अब हमारी ये कमीज है, कमीज को हमने सीधा रखा हुआ है। ये हमारा आपको नजर आ रहा होगा, ये हमारा पीछे का गला है और ये हमारा आगे का गला है। हम पीछे की गले की तरफ हमेशा इसे खोलेंगे। हमारा जो ये वाली चीज़ होगी वो पीछे की गले की तरफ जाएगी। ये देखिए इधर भी पीछे की तरफ है, तो इस वजह से ये भी इधर पीछे की तरफ जाएगी। ये हमारा वो आ गई, कमीज आ गई। इसी तरीके से हमारी स्लीव्स सीधी होंगी, सीधी साइड पे सीधी साइड आएगी। जो ये नोच वाली जगह है आपका, जो ये सिलाई आ रही है इस पे आएगी। इस तरीके से हम दोनों चीज़ें एक दूसरे के ऊपर रख लेंगे, सीधी सीधी साइड उसके ऊपर सीधी साइड आएगी। इस तरीके से सेट करने के बाद हम इस पे आधा इंच के सीम अलाउंस देके हम अपनी स्टिचिंग करेंगे। हमने कमीज को ना कमीज के कपड़े को खींचने ना स्लीव के कपड़े को खींचने, हमने बहुत आराम से आहिस्ता आहिस्ता करके जिस तरह से इसकी शेप आ रही हो उस तरीके से हमने इसे मोड़ के अपना स्टिचिंग करनी है। यहाँ तक हम आधी अपनी कमीज को जोड़ने के बाद हम इसे अपनी कमीज को धागा इस तरह से काट लेंगे। अब आप ये देख सकते हैं कि कितनी आसानी से हमारी आधी स्लीव्स कंप्लीट हो गई है। ये देख सकते हैं आप, देख रहे हैं ये बिल्कुल सेम एक जगह पे आके बैठा है, ना ये ऊपर हो रहा है ना ये कोई भी, बिल्कुल एग्जैक्ट एक साथ आ रहा है। अब ये हमारा पीछे का हिस्सा भी रहता है। अब हम क्या करेंगे, अपनी कमीज को इस तरीके से उल्टा कर लेंगे। उल्टा करके अब हम अपने कमीज की और आस्तीन को पूरा कर लेंगे।
अब आप ये देख सकते हैं कितनी सफाई से हमारी ये गोलाई आई है। अब हम अपने दामन की हेमिंग करेंगे। हमारी सीधी साइड नीचे की तरफ होगी और उल्टी साइड ऊपर की तरफ होगी। हम इस तरीके से आधा इंच मोड़ेंगे, उसके बाद फिर एक दफ़ा आधा इंच और मोड़ लेंगे। इस तरीके से हम इसे अपने उस पर फिक्स करेंगे। जैसे बिल्कुल हमने आस्तीनों की हेमिंग की थी बिल्कुल कोने पे, इसी तरीके से इधर भी हम इसके कोने पे ही स्टिचिंग करेंगे। जब आपका ये एक साइड का हेमिंग हो जाएगी और आप दूसरे साइड की हेमिंग शुरू कर रहे होंगे, तो आप उससे पहले अपना नाप लेंगे कि आपका इक्वल होना चाहिए। आप इस तरीके से इसे इक्वल करेंगे, यहाँ से इक्वल करके यहाँ तक आप अपना वो कर लेंगे। फिर आप इसको यहाँ तक मोड़ेंगे इस तरीके से, और फिर इसके अंदर इस तरह से मोड़ के आप देख लेंगे कि आपके दोनों इक्वल आने चाहिए। ये देखें, इस तरह से इक्वल आने चाहिए आपको। ये अब आप देख सकते हैं हमारे कितनी परफेक्ट दोनों इक्वल आई हैं, कोई कम कोई ज़्यादा नहीं हो रही। हमारी जो ये वाली साइड है, यहाँ से हम इसे पकड़ेंगे, यहाँ से हमने इसे पकड़ा और यहाँ से इसे यूं पकड़ा, ये इक्वल किया। फिर इस तरीके से हमने मशीन के इस कोने से हमने इसे एक क्रीज बना ली, जिससे हमें पता होगा कि हमने इतना ही मोड़ना है। इसके बाद हमने इस तरीके से इसे मोड़ा। अब हम इसकी स्टिचिंग कर लेंगे। बिल्कुल हम अपनी इस जगह पे आके जहाँ से हमारा हमने छोड़ा था स्टिचिंग, वहीं पे आके हम रुकेंगे। इस तरीके से हम इसे ऊपर करेंगे बूट को। हम अपनी शर्ट को इस तरीके से मोड़ेंगे। इस तरीके से हम बूट को नीचे करेंगे और हम इधर अपनी स्टिचिंग कर लेंगे। फिर हम इस बूट को उठाएंगे, इस तरीके से अपनी कमीज को मोड़ेंगे। इस तरीके से हमारा हो गया कंप्लीट। हम इसे ऐसे घुमाएंगे, जो एक्स्ट्रा धागे हमने काट देंगे। अब हम इस कोने पे बिल्कुल लब की सिलाई देते थे, अब हमारा चौक पूरे हो जाएंगे। हम अपने इस स्टेज पर आके रुकेंगे, फिर इसे वैसे ही घुमाएंगे।
देख सकते हैं हमारा कितना परफेक्ट चौक और दामन तैयार है। अब हमने अपने गले की तुरपाई करनी है, जो हमने फ्रंट का गला बनाया था उसकी हमें तुरपाई करनी है। अब मैंने सुई में धागा डाली है, मैंने सिर्फ एक उस पर धागे की एक साइड पे गिरा लगाई है, दूसरी साइड पे गिरा नहीं लगाई। इस तरीके से हम लोगों ने अपना इधर से स्टार्ट करना है। पहले हमने बुकरम पे अपना धागा गुजार लिया है। अब हम इसके नीचे की तरफ आएंगे, इस बुकरम से हम नीचे की तरफ लेंगे। अब हम अपने कपड़े से सिर्फ और सिर्फ एक धागा उठाएंगे ताकि हमारे कपड़े पे धागा नज़र नहीं आए। फिर इसी तरीके से दूसरा धागा नीचे की तरफ से हम फिर एक धागा उठाएंगे, सिर्फ एक, और इस तरीके से हम अपने बुकरम पे ऊपर की तरफ नहीं आएंगे। आप देख सकते हैं हमारा धागा ऊपर की तरफ नजर नहीं आ रहा। इसी तरीके से हम अपना पूरे कमीज अपने पूरे गले पे तुरपाई कर लेंगे। जी आप अब आप ये देख सकते हैं इसमें हमें एक भी सिलाई नजर नहीं आ रही, कितनी बारीकी के साथ ये हमारा तुरपाई हो गई है।